जात प्रमाण पत्र को लेकर विगत एक माह से गोंड बिरादरी के लोग यहाँ धरना पे बैठे हैं जिला अधिकारी कैंपस में। एक महीने हो गए लेकिन अभी तक इनकी मांगों पर विचार नहीं हो पाया है। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मुख्य मांग है हम लोगों के जात प्रमाण पत्र गोंड जात का जारी किया जाए, और दूसरी मांग है यहाँ से तहसीलदार का ट्रांसफ़र किया जाए। मुख्य मांग है यह, तहसीलदार जब तक रहेंगे कुछ न कुछ हिला हवाली लगा करके और जात प्रमाण पत्र नहीं जारी करेंगे। तो तहसीलदार के ऊपर DM हैं, SDM हैं और भी लोग हैं, उनसे आपकी बात नहीं बन पा रही? हर जगह अपनी बात हम लोग रख दिए हैं, कोई हम लोगों का आज तक पत्रक भी लेने नहीं आया है। स्वयं हम लोग जा करके अपना पत्रक दे रहे हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तहसीलदार महोदय लिखित रूप में देते हैं कि जिस टेबल पर जात प्रमाण पत्र बनाने में हिला हवाली होगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और खुद जब जाता है कोई लेखपाल छोड़ता है तो अपने खारिज कर दे रहे हैं, तो उन पर कौन कार्रवाई करेगा, यह समझ से परे है। धरना पे बैठे लोगों ने साफ शब्द में कहा कि जब तक तहसीलदार साहब रहेंगे तब तक इनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं इनका जात प्रमाण पत्र बने, जबकि शासन का सीधा गाइडलाइन है। क्या है सीधा गाइडलाइन? दिया है कि 1356-59 जिसके पास है उसका प्रमाण पत्र जारी किया जाए, अगर 1356-59 नहीं है तो उसके कुटुंब में जिसके पास है या रिश्तेदारी में जिसके पास है वह अगर प्रमाणित कर देता है कि हाँ ये हमारे रिश्तेदार हैं, उसका प्रमाण पत्र जारी किया जाए, और TC जिसके पास है उसका जारी किया जाए। लेकिन ये सारे अभिलेख रहते हुए भी प्रमाण पत्र के अभाव में, साक्ष्य के अभाव में प्रमाण पत्र खारिज, यही एक लाइन लिखते हैं और प्रमाण पत्र नहीं बना रहे हैं। बेटी की शादी हो या फिर बेटा की नौकरी या पढ़ाई या लिखाई, हर जगह जाति प्रमाण पत्र एक मायने रखता है, और जाति प्रमाण पत्र न मिलने के कारण आप समझ सकते हैं कि इंसान को कितनी कठिनाइयों भरी सामना करना पड़ता है, कितना दिक्कत होता है उन्हें, कितनी प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को कौन समझेगा। जाति प्रमाण पत्र एक अनिवार्य है, कहीं ना कहीं उसका जरूरत पड़ता है, लेकिन किसी व्यक्ति को, खासतौर पर इनके समाज के, इनकी बिरादरी को यदि जाति प्रमाण पत्र न मिले तो सारे काम रुक जाते हैं। आज एक महीने से धरना बैठे हैं, सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि इनका पत्रक लेने कोई अधिकारी भी नहीं आया और ये आज तक धरने बैठे हैं, घर द्वार परिवार सब कुछ छोड़कर यहाँ धरना बैठे हैं। बस हमारे वीडियो के माध्यम से जानकारी हम देना चाहते हैं तो उन अधिकारियों तक कि ये वीडियो पहुँचे, शासन तक पहुँचे, इनकी जो समस्या है उसका समाधान हो। अब तक की खबरों बस इतना ही, फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। देखते रहे बलिया आजकल, UP आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।